नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का स्वागत है एजुकेशन इंडिया में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, जहां पर दोस्तों आप सभी को बताएंगे कि किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त किसानों के खातों में कब तक पहुंचेगी, यानी कि दोस्तों 11वीं किस्त का 2000 रुपया सभी किसानों को कब मिलेगा, इसकी डेट अभी आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को ये भी जानकारी देंगे कि किन किन किसानों को किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त मिलेगी, क्योंकि दोस्तों 11वीं किस्त को लेकर दो नए नियम लागू हो चुके हैं, दो नए नियम आ चुके हैं जिनका आप सभी किसानों को पालन करना पड़ेगा। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आप सभी किसानों को 11वीं किस्त का फायदा नहीं मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इसके बारे में फुल डिस्कस करेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक वॉच करिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान पर भी प्रेस करें, ताकि दोस्तों आपको आगे भी किसान सम्मान निधि की हर अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों किसान सम्मान निधि को लेकर किसानों के लिए बड़ी खबर निकल के सामने आई है, जहां पर लिखा हुआ है कि पीएम किसान योजना पर बड़ा अपडेट, जानिए किस महीने में आपके खाते में आ जाएगी 11वीं किस्त। तो दोस्तों किसान सम्मान निधि को लेकर अभी अभी की लेटेस्ट न्यूज निकल के सामने आई है, जहां पर दोस्तों लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार के किसानों को आर्थिक रूप से सहायता पहुंचाने के लिए अहम योजनाओं में से एक है। और दोस्तों इस योजना के तहत किसानों को हर साल सरकार 6000 रुपए की राशि देती है, और दोस्तों ये राशि 2000 रुपए की किस्त में 3 बार दी जाती है। और दोस्तों अब तक सरकार किसानों को 10 किस्तों का पैसा ट्रांसफर कर चुकी है, अब किसानों को अगली किस्त यानी कि 11वीं किस्त का इंतजार है। और दोस्तों केंद्र सरकार ने 10वीं किस्त किसानों के खातों में जो 1 जनवरी 2022 को ट्रांसफर कर दी थी, और उस समय दोस्तों किसानों को 2000 रुपये खाते में भेजे गए थे। और अब जानकारी सामने आई है दोस्तों कि किसानों को 11वीं किस्त का पैसा जल्द भेजा जा सकता है। दोस्तों रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जा रहा है कि अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में किसानों के खातों में 2000 रुपये की अगली किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी, यानी कि दोस्तों आप सभी को 11वीं किस्त का पैसा खातों में कब मिलेगा इसको लेकर डेट निकल के सामने आई है। अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में आप सभी किसानों के खातों में 11वीं किस्त का 2000 रुपया आ जाएगा, इसको लेकर दोस्तों अभी अभी की बड़ी खबर निकल के सामने आई है। वही दोस्तों जो यहाँ पर 11वीं किस्त लेने के लिए दो नए नियम लागू किए जाएंगे उसको लेकर भी यहाँ बड़ी खबर निकल के सामने आई है, जहाँ पर पहला नया नियम यह है कि पीएम किसान योजना के लिए राशन कार्ड जरूरी हो चुका है। तो पीएम किसान योजना में सरकार समय समय पर कई बदलाव करती रहती है, और दोस्तों तमाम तरह की धांधलियों को रोकने के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठा लिए। और अब दोस्तों बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि सरकार ने पीएम किसान योजना का फायदा उठाने वाले लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड होना अनिवार्य कर दिया, यानी कि दोस्तों राशन कार्ड का यहां पर अनिवार्यता कर दिया जा चुका है। और दोस्तों अगर आपको आगे भी योजना का लाभ लेना है तो आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि यहां पर राशन कार्ड अनिवार्य हो चुका है। वही दोस्तों इसके अलावा ई KYC को भी अनिवार्य कर दिया जा चुका है। यदि आपने अभी तक ई KYC नहीं करवाया ऑनलाइन तरीके से तो अभी के अभी ई KYC करवा ले, ताकि आपको 11वीं किस्त मिल जाए टाइम पर। तो यहाँ पर दोस्तों ये दो बड़े नए नियम निकल के सामने आ रहे थे पीएम किसान योजना को लेकर। और दोस्तों इसी के साथ ही ये पूरी अपडेट थी पीएम किसान सम्मान निधि 2022 से जुड़ी, जो कि यहाँ पर अभी अभी की बड़ी खबर के तहत निकल के
सामने आई थी। तो यदि आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो और इसी के साथ ही दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दे। तो आप सभी दोस्तों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।